जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हनी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें IOCL अप्रेंटिस में जो वैकेंसी है आपका 490 पोस्ट दी गई है। सातन रीजन से हैं। आप जब कैसे आवेदन कर पाएंगे, 25 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 10 सितंबर आपका लास्ट डेट होने वाला है। 18 से 24 साल इसमें एज लिमिट मांगी गई है। वहीं बात करें ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 150 वैकेंसी है, 150 टेक्नीशियन अप्रेंटिस 110 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 230 वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पे देखिए आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ITI होना जरूरी है, वहीं आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 3 ईयर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन अप्रेंटिस के लिए BA BSc BCOM कोई भी है तो आप जो आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका मार्क्स ऑब्टेन कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट एंड मीटिंग नोटिस बाय एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, तो आपका जो एग्जाम होगा उसके हिसाब से आपका मेरिट जो है लगने वाला है। तो आपका यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हैं, सिलेबस भी अलग अलग दिया हुआ है। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट नेम सबसे पहले आपको डालना है, उसका मेल है फीमेल है वो आपको डालना होगा, उसके यहाँ पर मेरिट है सिंगल है तो वो आपको डाल देना है, एंड यहाँ पर नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसका दिखाई देगा ईमेल आईडी, तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है एंड सेंड OTP कर देना है। तो ईमेल का जो OTP आ जाएगा वो OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है, एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका आधार नंबर, तो आधार नंबर डाल देना है एंड आधार नंबर कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म कर लो आपको दोबारा डालना होगा, उसका पिन नंबर डालना है, पिन नंबर कंफर्म कर देना है। इसमें पिन नंबर और आधार नंबर कंपलसरी है तो वो आपको डालने होंगे। वहीं आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा, कंफर्म करता तो आपको दोबारा डालना होगा। वहीं आपको दिखाई देगा पासवर्ड, तो पासवर्ड कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबरिंग मोड स्पेशल करेक्टर, तो इसी तरीके से पासवर्ड आप अपना बना सकते हैं एंड कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। एंड उसके यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है एंड आपको रजिस्टर करना होगा। जैसे आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपकी मेल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया होगा एंड आपका लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया एप्लीकेशन नंबर वो आपको डाल देना है, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आपको डालना होगा। वहीं आपको नीचे दिखाई देगा कैप्चा कोड तो वो डाल देना, अगर नहीं साफ दिख रहा है तो आपको रीलोड कर देना है। डालने के बाद आपको लॉगिन पे करना है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछता है किस स्टेट से आप आवेदन करना चाहते हो, आप किसी भी स्टेट से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। वहीं पूछता है डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस है टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, जिसके लिए आपको करना है ITI है डिप्लोमा है या आपका ग्रेजुएट है, तो सेम है, सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन चेंज है बाकी सेम है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जिसके लिए आपको आवेदन करना है। वहीं आपको पूछता है लोकेशन प्रीफरेबल, तो आप किस लोकेशन में आप अपना आप जो है चाहते हैं आवेदन, तो यहाँ पे आपको जो जिस डिवीजन से चाहते हो डिवीजन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सारे आपको यहाँ पे क्या है 5 डिवीजन सिलेक्ट करने होंगे, तो 5 डिवीजन आप अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगते हैं या जिन जो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उनको आप नॉर्मली डाल सकते हैं। तो आपको कम से कम 5 जो है यहाँ पर डालने होंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या है NETS रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका NETS रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है देखिए, आप पोर्टल पे जाके कर सकते हैं या फिर आप जो है आपने कोई अप्रेंटिस के लिए आवेदन किया है तो आप वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो वो नॉर्मली आप NETS का जो रजिस्ट्रेशन है तो आप नॉर्मली अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको आ गए हैं नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम NETS, तो यहाँ पे क्या आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता है IM स्टूडेंट इंस्टीट्यूट अलाइनमेंट, तो आपको जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है नॉर्मली सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद डियर मीटिंग मिनिस्ट्री है जो NETS टू कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू कर लेना है एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या अपना रजिस्ट्रेशन जो है करना हो। तो NETS का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप जो उससे देख सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या आपको सबसे पहले NETS रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डालना होगा, डालने के बाद क्लिक टू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एंड आपको यहाँ पर क्या है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको अपनी जाति जो है डालनी होगी। वहीं दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको
डालना होगा। तो डालने के बाद नीचे दिखाई देगा आपको रीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिखाई देगा फादर्स नेम, तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देना है। एंड मदर्स नेम यहाँ पर आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म करना होगा। उसके बाद दिखाई देगा बैंक नेम, तो किस बैंक में आपका अकाउंट है, और IFSC कोड आपको डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है आई हैव फिल्ड अप ऑल डिटेल केयरफुली। उसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछता है टेंथ किस बोर्ड से पास किया था, वो डालना है। किस ईयर में पास किया, डेटिंग डेट ऑफ पासिंग, तो वो आपको डाल देना है। ऑफ्टेन एंड टोटल मार्क्स क्या है, वो आपको डालना होगा। वहीं आपका ट्वेल्थ का पूछता है, ट्वेल्थ किस बोर्ड से पास किया है, ठीक है, आपने किस आर्ट से पास, आपने स्ट्रीम से किया है, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, तो वो आपको डालना होगा। एंड किस बोर्ड से पास किया है, किस डेट में पास किया है, वो आपकी मार्क्सशीट पे नीचे लिखा हुआ है। परसेंट टोटल मार्क्स एंड ऑफ्टेन डाल देना है, परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वहीं आपका डिप्लोमा है, डिग्री है, वो ITI है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। किस ट्रेड से किया है, किस बोर्ड से किया है, कब पास किया था, वो आपको डालना होगा। टोटल मार्क्स एंड ऑफ्टेन डाल देंगे तो वहीं आपको आता है एड्रेस डिटेल, आपको हाउस नंबर, गली नंबर, विलेज, पोस्ट, ये सारी चीज़ें जो है आपको डालनी होंगी। वहीं आपका सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, पिन कोड क्या है, वो सारी चीज़ डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या है, परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है आई हैव फिल्ड अप ऑल डिटेल, तो उसके बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। वहीं आपको दिखाया फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का साइज आपका 50 KB से नीचे होना चाहिए। वहीं डॉक्यूमेंट का साइज 100 से 200 KB। जो फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासबुक है, आपका NETS जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है वो आपको डालना है। एंड आपको टेंथ का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, डिप्लोमा आपका जो है आपको अपलोड करना होगा। अपलोड के बाद डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है। एंड डिक्लेरेशन क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्या है, तो गलती है तो प्रीवियस पे जाएंगे, अन्यथा आपको क्या है सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा तो आपको प्रिंट कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और ऐसा करता आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।